हेलो एवरीवन, 28 सितंबर। तो फिर बात अगर शहीद आजम भगत सिंह की ना हो तो फिर किसकी। 28 सितंबर 1907, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन। कुछ लोग इसे 27 सितंबर भी बताते हैं, ये डिफरेंस हो सकता है। कुछ के हिसाब से 27 सितंबर हो सकता है, कुछ के हिसाब से 28 सितंबर हो सकता है। लेकिन मुख्य बात है भगत सिंह का हमारे देश में होना, एक ट्रू रेवोल्यूशनरी का भारत के अंदर जन्म लेना और भारत के लोगों को ये समझाना कि ट्रू रेवोल्यूशन क्या होता है, क्या हो सकता है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का जो डिफरेंस है उसे भगत सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और समझाया। मैं नरेंद्र शर्मा, तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा सिर्फ भगत सिंह के बारे में। और मेरी कोशिश है शहीद आजम भगत सिंह को एक ट्रिब्यूट देने की, और वो ट्रिब्यूट में जो किताबें उन्होंने अपनी जेल नोटबुक के लिए कंसल्ट की, उन किताबों की लिस्ट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी किताबें उन्होंने अपनी जेल नोटबुक के लिए कंसल्ट की थी। सो बहुत ध्यान से देखने और समझने की बात है कि एक सिर्फ 23 साल और 5 महीने और 23 दिन, इतना लाइफ स्पैन है भगत सिंह का। इस छोटे से लाइफ स्पैन में भगत सिंह की समझ जो है इतनी प्रखर है, इतनी स्पष्ट है कि वो दूध में से पानी को अलग कर देना जानती है। और यही वजह है कि भगत सिंह कैपिटलिज्म को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, डाउनफॉल ऑफ इंपीरियलिज्म या डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म के वो नारे लगाया करते थे। तो एक कोशिश है, एक ट्रिब्यूट है भगत सिंह को देने की, उन्हें याद करने की। उनकी जेल नोटबुक के लिए उन्होंने जो किताबें कंसल्ट की, उन किताबों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं। तो कुल मिलाकर 7 किताबें अब तक पब्लिश हुई हैं, शायद ये 8वीं होगी। लेकिन जिस किताब के थ्रू मैंने वो सारा कलेक्शन किया है, उनकी जेल नोटबुक के लिए जो किताबें उन्होंने कंसल्ट की थी, वो जिस किताब में से मैंने कलेक्शन किया है वो ये किताब है, जेल नोटबुक ऑफ भगत सिंह। तो इसी किताब के अंदर से मैंने वो सारा कलेक्शन किया है। मैं पहले थोड़ा सा इस किताब के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। सो भगत सिंह जेल नोटबुक, इट्स कंटेक्स्ट एंड रेलेवेंस, कंप्लीट नोटबुक है विथ एडिशनल नोट्स हैं इसके अंदर, और हैंगिंग ऑफ भगत सिंह सीरीज का 5वां वॉल्यूम। टोटल हैंगिंग ऑफ भगत सिंह के अंदर 10 वॉल्यूम है, जिसका ये 5वां वॉल्यूम है, राइट। तो इस पर्टिकुलर बुक को हैंगिंग ऑफ इसको जेल नोटबुक ऑफ भगत सिंह या भगत सिंह जेल नोटबुक, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मुझे लगता है अब तक की सबसे एक्सटेंसिव रिसर्च है उनकी जेल नोटबुक को लेकर के। 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ द नोट्स, इन द नोटबुक। दूसरा है रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ द नोटबुक। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग द नोट्स ऑफ द नोटबुक। जो नोट्स उन्होंने लिए थे वो कौन सी किताबों में से लिए थे, उनके ओरिजिन क्या है, पहला भाग ये बताता है। दूसरा भाग बताता है रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ द नोटबुक, इस बुक की या जेल नोटबुक की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से उसका कलेक्शन हुआ, कैसे वो बुक जेल नोटबुक उनके पास आई। एंड तीसरा भाग बताता है अंडरस्टैंडिंग द नोट्स ऑफ द नोटबुक, जो नोट्स उन्होंने लिए थे वो नोट्स किस तरीके के हैं, उन नोट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि वो नोट्स क्या मीनिंग क्या है, वो कोटेशंस का मीनिंग क्या है, वो सारा इस बुक के थ्रू समझने की कोशिश की है।
और बुक के अंदर खास बात ये है कि एक्चुअल उनकी हैंडराइटिंग में भी नोट्स को पिक्चराइज किया गया है, वो पिक्चर्स भी डाली गई हैं और साथ में उनके मीनिंग्स को और जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसको भी दिखाया गया है। टोटल उन्होंने शहीद भगत सिंह ने टोटल 46 बुक्स को कंसल्ट किया है, जेल नोटबुक ऑफ भगत सिंह को, अपनी जेल नोटबुक को लिखने के लिए अपनी जेल नोटबुक में जो नोट्स कलेक्ट किए हैं वो 46 बुक्स से नोट्स कलेक्ट किए हैं। 12 बुक्स ऐसी हैं, 12 बुक्स आर एक्सक्लूसिव टू मिसलेनियस नोट्स एंड 1 बुक इज कॉमन टू बोथ सेक्शंस। 12 किताबें ऐसी हैं जिनमें से मिसलेनियस नोट्स उन्होंने लिए हैं और 1 किताब ऐसी है जो मेन सेक्शन में भी है और मिसलेनियस सेक्शन के अंदर भी है। द नोटबुक रिसीव्ड ऑन डेटेड 12 सितंबर 1929। ये नोटबुक जो उन्हें एक्चुअल जो नोटबुक थी वो उन्हें मिली थी 12 सितंबर 1929 को। एक्चुअल में 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद उनका ट्रायल शुरू हो गया था। तो 12 सितंबर 1929 को जेल नोटबुक में मिलती है। और तो आप ये देखिए कि पूरे ट्रायल के दौरान तकरीबन 2 साल का पीरियड है, 23 मार्च 1931 को उनका मार्टेडम है और इस 2 साल के पीरियड में, लगभग 2 साल के पीरियड में एक्सटेंसिव स्टडी की है उन्होंने जेल के अंदर, बहुत ज्यादा स्टडी किया है। तो आप ये देखिए कि बिना स्टडी के कोई आदमी कैसे इतना ट्रू, इतना क्लीन रेवोल्यूशनरी बन सकता है। तो ये स्टडी थी जिसने भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह बना दिया। ये बात नोट करने की है, ये उनकी स्टडी थी जिसके बेसिस पर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए, अपने आप आर्ग्यूमेंट किए अपने ट्रायल के दौरान। और जो ओपनिंग कोट है इस बुक का, उनकी जेल नोटबुक का जो ओपनिंग कोट है वो है, लवर ल्यूनेटिक एंड पोएट आर मेड ऑफ सेम स्टफ, यानी कि जो एक प्रेमी होता है या जो पागल होता है या जो कवि होता है, ये तीनों ही एक ही मिट्टी के बने हुए होते हैं, एक ही स्टफ के बने हुए होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। उनकी जेल नोटबुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि भगत सिंह एक्चुअल में, उनकी समझ इतनी एडवांस कैसे है। एक 23 साल 5 महीने के लड़के की, लगभग 23.5 साल के लड़के की समझ इतनी प्रखर कैसे है, इतनी स्पष्ट कैसे है, कैसे वो सोशलिज्म को इतना फेवर करते हैं और क्यों वो कैपिटलिज्म को इतना क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप करंट के हालात देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैपिटलिज्म जो है कितनी बुरी हालत में आदमी को ले आता है, आपको समझ में आएगा। और जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भगत सिंह एक ट्रू रेवोल्यूशनरी कैसे है, कैसे उनकी सोच जो है इतनी एडवांस है, इतनी लॉजिकल है, सिर्फ एक 23 साल के लड़के की, ये कमाल की बात है। अब बात करें थोड़ा ऑथर के बारे में, इस पर्टिकुलर बुक के ऑथर के बारे में। तो इस बुक की पूरी सीरीज को, इनफैक्ट जो हैंगिंग ऑफ भगत सिंह की जो सीरीज है उस सीरीज को लिखा है मलविंदर जीत सिंह वड़ैच जो है चंडीगढ़ में रहते हैं, अभी मुझे लगता है शायद 80 के आसपास है। फेसबुक पर वो आपको मिल जाएंगे, उनके फेसबुक जो एड्रेस है मलविंदर जीत सिंह वड़ैच जो है उनका पेज है, आप उस पर उनको फॉलो भी कर सकते हैं और वो आपको इंडिपेंडेंट भी मिल जाएंगे, उनका प्रोफाइल भी आपको मिल जाएगा, तो आप उन्हें जरूर फॉलो कीजिए। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है भगत सिंह के ऊपर, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह जो सीरीज लिखी है उन्होंने, वो पूरी 10 वॉल्यूम की सीरीज है हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उनके ट्रायल हैं, उनके स्पीचेस हैं, उनके लेटर्स हैं भगत सिंह के, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और एक्सटेंसिव वर्क किया है, राइट। और इस पर्टिकुलर बुक के लिए भगत सिंह जेल नोटबुक, इसके लिए एडिटिंग और इंट्रोडक्शन किया है डॉक्टर हरीश जैन ने। डॉक्टर हरीश जैन ने भी बहुत ज्यादा काम किया है,
किस बुक में से कौन सा कोट लिया गया है, वो पर्टिकुलर एडिशन उन्होंने फाइंड आउट किया है। किस तरह की सोच रही होगी जिस समय भगत सिंह ने वो कोट जो है राइट डाउन किया है, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। बहुत ज्यादा कमाल की बुक है भगत सिंह जेल नोटबुक, एक 23.5 साल के लड़के की इतनी एक्सटेंसिव स्टडी है, वो भी ट्रायल के दौरान। ट्रायल के दौरान अपनी बात रखना, स्टडी करना, सोशलिज्म ज्यादा बेहतर रहेगा, कैपिटलिज्म क्यों खराब है, वो सारी चीजों में वो एकदम क्लियर है। और पब्लिकेशन जो है इस बुक का, यूनिस्टार पब्लिकेशन है और मोहाली से पब्लिश किया गया, मोहाली चंडीगढ़ से पब्लिश किया गया 2016 का। ये मेरे पास जो एडिशन है वो 2016 का है। राइट, आगे अगर देखें, अब बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं शहीद भगत सिंह। वैसे तो हम सारी बात शहीद भगत सिंह के ही बारे में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल प्रोफाइल अगर उनका देखें तो 28 सितंबर 1907 विलेज बंगा डिस्ट्रिक्ट लायलपुर में उनका जन्म होता है, खटकर कला के पास, जो कि अब पाकिस्तान में है। अरेस्ट किए गए असेंबली बम केस में 8 अप्रैल 1929 को अरेस्ट क्या किए गए, उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी बॉम्ब फेंकने के बाद। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ उन्होंने बॉम्ब फेंका था वहां पर, क्योंकि वायसराय अपनी स्पेशल पावर की वजह से उस बिल को पास करने वाला था बिना कोई डिस्कशन के, जिससे कि हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और उनका मार्टेडम है 23 मार्च 1931। टोटल लाइफ स्पैन आप देख सकते हैं, 23 टोटल लाइफ स्पैन जो है उनका, 23 years 5 months 23 days का लाइफ स्पैन है। ए ट्रू रिवोल्यूशनरी एंड ए यूथ आइकॉन है। एक्सटेंसिव स्टडी है उनकी सोशलिज्म के ऊपर, खासतौर से लेनिन और मार्क्स के सोशलिज्म के ऊपर उन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी किया है, और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है कैपिटलिज्म को। आप कैपिटलिज्म की आज हालत देखेंगे, काफी समझ लीजिए, 1 बिलियन के आसपास, 8 अरब के आसपास पूरी दुनिया में लोग हैं, जिसमें से 50% लोगों के पास पानी भी नहीं है, अच्छा पानी नहीं है पीने के लिए। और कमाल की बात यह है, केवल भारत की बात करें तो केवल भारत के अंदर 2% लोगों के पास 98% पैसा, यही कैपिटलिज्म होता है। कैपिटलिज्म की खास बात यह है कि कैपिटल यानी कि पूंजी जो है वो एक साइड में अकोमुलेट होती चली जाती है, कुछ कुछ हिस्सा बचा रहता है जिससे बाकी के लोग जिंदा रह सके। यानी कि 2% 98% के आसपास, अगर आप 1-2% मिडिल क्लास को मिला लें तो मिडिल क्लास तो वैसे ही कैटेगरी में बटा हुआ है, लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर अपर मिडिल क्लास है। अब उसमें आप 4 करोड़ शामिल कर लीजिए, 6 करोड़ शामिल कर लीजिए, कितने करेंगे वो आपको देखें, कुल 130 करोड़ की पॉपुलेशन। और धीरे धीरे ये पैसा इस तरह से एक्युमुलेट होता चला जाएगा एक साइड में, कि कुछ गिनती के लोगों के पास ही, कुछ गिनती के लोगों के पास, यानी कि 2%। और राज्यसभा की अगर एक रिपोर्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो 55% पैसा केवल 15 या 16 लोगों के पास, पूरे भारत का 55% के आसपास पैसा 15-16 लोगों के पास, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं। और यह कैपिटलिज्म ऐसा नहीं है कि आज की सरकारें आकर ही कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ये पहले से ही चलता आ रहा है, आज ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो गया। तो आप जिस तरह से किसान जो है विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें जिस तरह से खतरा हो रहा है, ये कैपिटलिज्म का ही करेक्टर है सारा का सारा जो देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में अथा पैसा खर्च करने के बाद भी पेशेंट को नहीं बचा पाता, कई बार तो गलती इलाज कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे नहीं साहब, उसमें तो डॉक्टर की गलती नहीं है, उसे भी तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल ही तो चाहिए। कैपिटलिज्म के अंदर की खास बात यह है, हाउ टू अर्न मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना, हाउ मच टू अर्न, कितना आपको कलेक्ट करना है, ये जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना बेहतर है। मीन्स ऑफ मनी के ऊपर कोई ध्यान नहीं, कैसे भी आए। और यही वजह है, इस कैपिटलिज्म का करेक्टर देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में 43% एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिटिकल क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये कैपिटलिज्म का करेक्टर है। अब सोचिए अरबपति भी हैं, 80% एमपीज ऐसे हैं जो करोड़पति हैं उसके अंदर, तो आप सोचिए कि आप क्या है, मतलब उसमें आप डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह की डेमोक्रेसी आप डिफाइन करेंगे, उसमें लोगों की डेमोक्रेसी डिफाइन करेंगे, कहां से आएगी लोगों की डेमोक्रेसी।
सो आज मैंने कई जगह पर लिखा भी देखा, बहुत सारी बाइक्स पर लिखा ऐसा मिलता है, कई बार गाड़ियों के ऊपर ऐसा लिखा मिलता है कि भगत सिंह की फोटो रहेगी और उस पर लिखा मिलता है कि लगता है फिर आना पड़ेगा। अब ठीक है, अगर मान लीजिए भगत सिंह अगर उन्होंने पूछ लिया कि आपने 43% सांसदों को पार्लियामेंट में क्यों भेज दिया, क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब है आपके पास इस बात का? इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई जनता ने चुन करके भेजा है, तो 43% आपने क्रिमिनल लोग भेजे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अगर भगत सिंह ने आपसे ये सवाल पूछा तो आप क्या जवाब देंगे कि आप भगत सिंह का वेट कर रहे थे? तो हर समय के लिए जो रेवोल्यूशन है वो उसी टाइम के लोगों को करना पड़ता है, लेकिन जब तक वो समझ में ही नहीं आएगा, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, रेवोल्यूशन कहां से होगा, कि जरूरत क्या पड़े, जब जरूरत ही नहीं है तो रेवोल्यूशन होगा कैसे? जब आपके साथ क्या हो रहा है, आपको लग रहा है जो कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, बहुत बढ़िया कंडीशन है, कंट्री जो है एक्सट्रीम स्पीड के साथ जो है आगे बढ़ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? फिर भगत सिंह की जरूरत कहां हुई? तो कोई जरूरत नहीं भगत सिंह। तो ये सारी चीजें जो है समझने की है, समझाने की भी, राइट। सो इसलिए भगत सिंह ने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को अलग अलग कर दिया है, दूध और पानी की तरह से जो ऐसे लगते थे मिक्स अप, लेकिन डेमोक्रेसी एक मॉड है कैपिटलिज्म को कंटिन्यू करवाने का। देख रहे हैं इलेक्शन के अंदर कितना पैसा लगता है, उसमें ड्रग्स भी मिल रहे हैं इलेक्शन के अंदर, पैसा भी बांटा है, ओपोजिशन कहती है पैसा भी बांटा जा रहा है, और अब तो ओपोजिशन के जो और दूसरी पार्टियां वो कहती है भैया इतने पैसे ले लो, एमएलए को कह रहे हैं इतने पैसे में आओ हमारी पार्टी के साथ आ जाओ, तो आप कह रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी, ये कैपिटल है, ये कैपिटलिज्म है, कितना पैसा चाहिए और किस पार्टी में जा रहा है उससे पैसे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिर पब्लिक का जो जो मैंडेट है उसकी वैल्यू कहां रह गई? आप वोट जो डाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? जब एमएलए जो है शिफ्ट हो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, और पार्टियां कह रही हैं कि वो 100 करोड़ में खरीद लेंगे, 200 करोड़ में खरीद लेंगे, तो फिर बचेगा कहां से? इसीलिए इसी करेक्टर की वजह से भगत सिंह ने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया, बहुत पहले से ही क्रिटिसाइज किया। और ऐसा नहीं है, इस जेल नोटबुक में उन्होंने ऑस्ट्रिया के बारे में लिखा भी है, ऑस्ट्रिया का हवाला देते हुए लिखा है, अमेरिका का भी हवाला देते हुए लिखा है कि पूंजी जो है उसमें 70-80% के आसपास जो लोग हैं वो केवल 30% में गुजारा कर 30% पैसे में गुजारा करते हैं, जबकि 70% पैसे के ऊपर कब्जा जो है 30% लोगों का। ये अमेरिका का हवाला देते हुए इस बुक के अंदर, अपनी जेल नोटबुक के अंदर उन्होंने कहीं से ये टैक्स लिया है, ये कोटेशन इकट्ठी किए, टैक्स कलेक्ट किया हुआ। और आगे चलें तो वर्ल्ड सोशलिस्ट जो है वो जिस पार्टी में थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम था उस पार्टी का, बाद में उसके अंदर सोशलिस्ट वर्ड उन्होंने जोड़ा, और उनकी कुछ फेमस स्पीचेस एंड राइटिंग्स हैं, व्हाई आई एम एन एथिस्ट इंट्रोडक्शन, व्हाई आई एम एन एथिस्ट इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, टू मेक द डेफ हियर, मतलब बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये कंसर्न करता है जो असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में जो उन्होंने बॉम्ब एक्सप्लोड किया था, वो इसी बात के ऊपर है, इसी को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि जब नहीं सुनती हैं सरकारें या कोई सुनता नहीं है तो जो बहरे हो जाते हैं उन्हें सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, टू मेक द डेफ हियर। मैसेज टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, और उनके कुछ मैसेजेस हैं यंग पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, राइट। सो ये कुछ भगत सिंह के बारे में जानकारी है। अब आइए चलते हैं, उन्होंने जो किताबें जो लिखी, जिन किताबों को कंसल्ट किया है अपनी जेल नोटबुक के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनकी जेल नोटबुक को एक बार जरूर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगत सिंह क्यों कैपिटलिज्म को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, और करंट कंडीशन से अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब एक एक करके रेफरेंसेस उनके देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो राइटर हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिए हैं मैंने, यहां मैंने यहां पर अल्फ्रेड बार्टन, इनकी एक किताब उन्होंने कंसल्ट की है, वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर वर्कर्स, द लेबर पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, टेविस्टॉक स्क्वायर लंदन 1922 का एडिशन है, राइट। दूसरा जो राइटर हैं बेंजामिन बार लिंडसे, एंड वेनराइट इवांस, इनकी दो किताबें हैं,
रिवोल्ट ऑफ द मॉडर्न यूथ यूएसए मई 1926, बोनी एंड लिव राइट यूएसए मई 1926। तीसरे बर्नार्ड शाह, बर्नार्ड शाह की तीन किताबें उन्होंने कंसल्ट की हैं अपनी जेल नोटबुक के लिए, और वो हैं जॉन बुल्स अदर आइलैंड एंड मेजर बारबरा, ब्रेंटानोज पब्लिकेशंस न्यूयॉर्क 1908, मैन एंड सुपरमैन ब्रेंटानोज पब्लिकेशन है न्यूयॉर्क मई 1904, रिप्रिंट किया गया मई 1913 के अंदर, और प्रेफेस टू इंग्लिश प्रिजन लॉन्गमैन ग्रीन एंड कंपनी लंदन 1922। ये तीन किताबें बर्नार्ड शॉ की। उसके बाद बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसल की जो किताबें हैं वो दो किताबें हैं, हैज रिलीजन मेड यूजफुल कंट्रीब्यूशन टू सिविलाइजेशन एन एग्जामिनेशन एंड ए क्रिटिसिज्म वाटसी कंपनी 1930, हेलरमान जूलियस पब्लिकेशन 1929 का है। लेटर ऑन इसी को राइटर ने एक एसे के रूप में इंकॉर्पोरेट किया अपनी बुक के अंदर, जो एक अदर बुक लिखी उसके अंदर राइटर ने, मतलब आर्थर विलियम रसल ने, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन विच वॉज पब्लिश्ड इन, जो कि पब्लिश हुआ 1936 के अंदर। दूसरी बुक जो उनकी थी प्रपोज रोड्स टू फ्रीडम सोशलिज्म एनार्किज्म एंड सिंडिकलिज्म, जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड लंदन 1918 के अंदर पब्लिश हुआ है, पब्लिश हुई थी बुक, 1918 का पब्लिकेशन है। देन चार्ल्स डिकन्स की एक किताब उन्होंने रेफर कंसल्ट की है, द पिकविक पेपर्स डब्ल्यू ए टाउनसेंड एंड कंपनी न्यूयॉर्क 1861 का पब्लिकेशन है। एवलिन जॉन रगल्स ब्राइस, उनकी एक किताब है द इंग्लिश प्रिजन सिस्टम, मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड लंदन 1921 का पब्लिकेशन है। देन फ्योदर दोस्तोवस्की, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं इनकी, और काफी सारे जो टेक्स्ट हैं, जो कोर्स हैं, वो इन किताब फ्योदर दोस्तोवस्की की किताब में से लिखे हैं। जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट जो है इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रशियन मैसेंजर सीरीज में से ये बुक है, 1866 में ये पब्लिश हुई थी, 1866 और फिर 67 में दोबारा पब्लिश हुई। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ 1885 के अंदर और 1914 के अंदर इसका दोबारा ट्रांसलेशन हुआ। पेंगुइन एडिशन जो है इसका अवेलेबल है लंदन 1997 के अंदर, जो इस बुक के अकॉर्डिंग जो है, जेल नोट बुक के अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग राइट। देन द हाउस ऑफ डेड विद एन इंट्रोडक्शन बाय जूलियस ब्रामार्ड जे एम डेंट एंड सन्स लिमिटेड लंदन, ये दूसरी बुक है उनकी द हाउस ऑफ डेड। उसके बाद है फ्रेडरिक एंगल्स, दो किताबें हैं इनकी। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, या काउंटिंग जो बुक्स मैंने बहुत ध्यान से कलेक्ट की हैं, फिर भी हो सकता है कोई राइटर, सभी राइटर्स की कोई बुक्स जो है वो मिसिंग हो, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि सारी की सारी किताबों को मैं आपको बता सकूं, उनके नाम मैं आपको बता सकूं, उनकी पब्लिकेशंस के साथ। इनमें से काफी सारी बुक्स जो है आज भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगत सिंह की जेल नोटबुक को जरूर पढ़ें, वो हिंदी में भी आपको मिल जाएंगी और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेडरिक एंगल्स की जो बुक्स हैं, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट ट्रांसलेटेड बाय अर्नेस्ट अंटरमान चार्ल्स एच कैर शिकागो 1902 का पब्लिकेशन है। देन सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक चार्ल्स एच कैर एंड कंपनी शिकागो 1918 का पब्लिकेशन है, फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब है। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है आई पी युवावात्सेव, इनकी एक किताब है ए एस रैपोपोर्ट, ट्रांसलेट किया रशियन में थी, रशियन बेस्टाइल का ट्रांसलेशन है और द स्क्लूसल्सबर्ग फोर्ट्रेस चार्टो एंड विंडस लंदन 1909 का पब्लिकेशन है।
स्कूसल्सबर्ग फोर्ट्रास, चार्टो एंड विंडस, लंडन 1909 का पब्लिकेशन है। ओके, नेक्स्ट, जैक लंडन की जो बुक है द आयरन हिल, इसमें से भी काफी सारे टेक्स्ट और कोट्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं। ग्रोसेट एंड डनलैप पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क 1908 का पब्लिकेशन है, 1917 में भी दूसरा पब्लिकेशन है। जीन जैकस रूसो की जो बुक है वो तीन किताबें हैं, तीन किताबों को कंसल्ट किया है भगत सिंह ने। एमिल और ऑन एजुकेशन ट्रांसलेट किया है बारबरा फॉक्सले, जीएम डेंट एंड सन्स, लंडन ईपी दात्रा कंपनी, न्यूयॉर्क 1921 का पब्लिकेशन। आइडियल एम्पायर्स एंड रिपब्लिक्स, एमएच वाइस एंड कंपनी पब्लिशर्स हैं इनके, न्यूयॉर्क 1901 का पब्लिकेशन। तो सारी किताबें आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल की हैं, इसीलिए भगत सिंह जो है इंटरनेशनल लेवल के रेवोल्यूशनरी है। वो केवल भारत के अंदर ही नहीं, उसे एज ए रेवोल्यूशनरी जाना जाता है। एक स्कॉलर हुए हैं रशिया के, मित्रोखिन, लियोनिड मित्रोखिन एक स्कॉलर हुए। 1981 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी लेनिन इन इंडिया, उसके अंदर भगत सिंह का उन्होंने जिक्र किया है, लेनिन इन इंडिया के अंदर 1981 में जो बुक लिखी थी। सो मित्रोखिन ने भगत सिंह को के ऊपर काफी सारी रिसर्च की है, वो रशियन स्कॉलर है। देन उसके बाद रूसो की नेक्स्ट बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एम वाल्टेर डने, वाशिंगटन एंड लंडन 1901 का पब्लिकेशन है। जॉन लुबॉक द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड, लंडन 1897 का पब्लिकेशन है, एक ही बुक है उनकी। जॉन सालमन एक ही बुक है, ज्यूरिसप्रूडेंस सी ए डब्ल्यू मैनिंग एडिशन है जो इसके, पहला एडिशन है स्टीवंस एंड हेनस लंडन 1913 का, और फिर थर्ड एडिशन जो है नेक्स्ट एडिशन जो स्वीट एंड मैक्सवेल लिमिटेड लंडन 1938 एडिशन इसके अंदर के अंदर मेंशन किया, एडिशन जो है वो मेंशन किया। ज्यूरिसप्रूडेंस काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एक बुक दोनों की है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एडिटेड एंड एनोटेटेड बाय फ्रेडरिक एंगल्स, चार्ल्स एच केयर एंड कंपनी, शिकागो 1906 का पब्लिकेशन है। राइट, देन लाला लाजपत राय दो बुक है इनकी, रिफ्लेक्शंस ऑन पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया 1915 का पब्लिकेशन है, ये उन्होंने खुद ही राइट की, खुद ही प्रिंट किया जापान के अंदर और सेल्फ पब्लिश किया इस बुक को। दूसरी बुक है अनहैप्पी इंडिया, बन्ना पब्लिकेशन कंपनी, कलकत्ता 1928 के अंदर पब्लिकेशन है। देन लियोन त्रोत्स्की इनकी जो दो बुक्स हैं, वेर इज ब्रिटेन गोइंग, इंट्रोडक्शन एच एन ब्रेल्सफोर्ड का है, जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड लंडन 1926 का पब्लिकेशन। देन लेसन्स ऑफ अक्टूबर 1917 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है लेसन्स ऑफ अक्टूबर 1917, द लेबर पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड लंडन 1925 WSL। माइकल ओडायर की एक बुक है इंडियन एज आई न्यू इट, कॉन्स्टेबल एंड कंपनी लंडन 1925 की, इसको भी भगत सिंह ने स्टडी किया है। मॉरिस हिलकेट बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, काफी सारे कोट्स जो हैं जेल नोट बुक ऑफ भगत सिंह में मिलते हैं इनके। मार्क्स टू लेनिन ये बुक है उनकी, द हैनफोर्ड प्रेस न्यूयॉर्क 1917। देन ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो बुक है द विकार ऑफ वेकफील्ड, जेएम डेंट एंड सन्स लिमिटेड लंडन एंड ईपी डटन एंड कंपनी न्यूयॉर्क फेब्रुअरी 1908 का पब्लिकेशन है, रीप्रिंट जुलाई 1913 में हुआ है। राइट, ओमर खयाम के तीन किताबें हैं। मिसलेनियस जोड़ का सेक्शन है, उसमें काफी सारे इनके शेयर मिलते हैं। रोबायत्स एडवर्ड फिट्ज़गेराल्ड ट्रांसलेटेड फर्स्ट एडिशन जो है जॉर्ज जी हराब एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है, और फिर 13941 पार्कर स्ट्रीट किंग्सवे लंदन 1890 में किया। रुबायत रिकार्ड लीगेलियनी जॉन लेन द
बॉडले हेड न्यूयॉर्क 1902 के अंदर पब्लिकेशन है, रुबायत फिट्ज़गेराल्ड ट्रांसलेशन टी एन फॉलिस एडिनबर्ग 1905 के अंदर पब्लिकेशन है, ओटो रोयल कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड वर्क्स द विकिंग प्रेस न्यूयॉर्क 1928 का पब्लिकेशन है, ट्रांसलेशन है एडन एंड सेडार पॉल का ट्रांसलेशन। रामानंद चटर्जी की एक बुक है टुवर्ड्स होम रूल वन, थर्ड एडिशन है मॉडर्न रिव्यू ऑफिस कलकत्ता 1921। रीन फिलोप मिलर की एक बुक है द माइंड एंड फेस ऑफ बोल्शेविज्म, चिज़विक प्रेस लंदन जून 1927 का पब्लिकेशन। स्कॉट नियरिंग पॉवर्टी एंड रिचेस, काफी सारे कोट्स हैं उनके इस बुक के भी। स्टडी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजाइन द जॉन सी विंस्टन कंपनी फिलाडेल्फिया पीए 1916 का पब्लिकेशन है। सिडनी वेब एक बुक है द डिके ऑफ कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन, थर्ड एडिशन है। फेबियन सोसाइटी वेस्टमिंस्टर एंड बाय एंड बाय जॉर्ज एलन एंड अनविल लिमिटेड 1923 का पब्लिकेशन। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आए थे और उसी के दौरान लाला लाजपत राय जी के सर पर लाठी मारी गई थी, इंडियन उसका जो विरोध कर, जब लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो तब उनके ऊपर हमला हुआ था। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन, ये कमीशन बना था ताकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, ए रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। सो वॉल्यूम 1930 को भगत सिंह जी ने स्टडी किया है इसको। थॉमस पेन की एक बुक है द राइट्स ऑफ मैन इंट्रोडक्शन जॉर्ज जैकब होलियोक के, जेएम डेंट एंड सन्स लिमिटेड लंदन एंड टोरंटो एंड ईपी डटन एंड कंपनी लिमिटेड का, डटन एंड कंपनी लिमिटेड का पब्लिकेशन न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई है। बहुत फेमस राइटर हैं अपटाउन सिंक्लेयर, भगत सिंह के सबसे फेवरेट राइटर हैं, सबसे ज्यादा कोट जो हैं, सबसे ज्यादा बुक्स इन्हीं की कंसल्ट की हैं भगत सिंह ने, चार किताबें इनकी कंसल्ट की हैं जेल नोटबुक के लिए। सबसे पहली है ब्रास चेक, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस प्रेस शिकागो 1919 रीप्रिंटेड 1928 9th एडिशन। दूसरी बुक है द क्राई फॉर जस्टिस, बहुत बहुत इस बुक की लैंग्वेज बहुत टफ है लेकिन भगत सिंह ने इसको स्टडी किया, इसको कंसल्ट किया है। और डॉक्टर हरीश जैन कहते हैं कि जब इस बुक को वो पढ़ते हैं, इस बुक को जब वो पढ़ रहे थे, क्राई फॉर जस्टिस को जब पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगता था कि आदमी उसके साथ बहता है, रोना शुरू कर देता है क्राई फॉर जस्टिस के साथ, जस्टिस को पढ़ते हुए। द जॉन सी विंस्टन कंपनी पब्लिशर्स फिलाडेल्फिया 1915 फॉर द ऑथर जैक लंदन, मैक्सिमम नोट्स जो है क्राई फॉर जस्टिस से हैं। So, कमाल की अंडरस्टैंडिंग है भगत सिंह की कि वो इस तरह की बुक्स जो हैं वो स्टडी करते हैं अपने दो साल के ट्रायल पीरियड के दौरान, और इसीलिए उनकी जो समझ है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन में नहीं है। कैपिटलिज्म एक बहुत ह्यूमैनिटी के लिए, कैपिटलिज्म जो है एक कोड की तरह से है, और ये इस बात को लेकर के भगत सिंह बिल्कुल क्लियर है अपने आप में, कोई उनके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। और ये जो क्लैरिटी आती है ये तभी आती है जब आप स्टडी करते हैं, तो एक्सटेंसिव स्टडी है भगत सिंह की सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को लेकर के। देन नेक्स्ट बुक है ओएल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस लिमिटेड इंग्लैंड 1926 द प्रोफाइल्स ऑफ रिलीजन पासाडेना कैलिफोर्निया 1918। उसके बाद वैलेंटाइन चिरोल, दो किताबें हैं, इंडिया ओल्ड एंड न्यू, मैकमिलन एंड कंपनी लंदन 1921 का पब्लिकेशन है, इंडियन अनरेस्ट मैकमिलन एंड कंपनी लंदन 1910 का पब्लिकेशन है। वीर सावरकर की एक बुक है हिंदू पदशाही, एक बुक उन्होंने स्टडी की है वीर सावरकर जी की। उसके बाद व्लादिमिर जी सिमकोविच की एक बुक है मार्क्सिज्म वर्सेस सोशलिज्म, विलियम्स एंड नॉर्गेट कंपनी लंदन, ये पब्लिकेशन यहां से पब्लिश हुई। व्लादिमिर इलिच लेनिन, ये लेनिन ही है, लेनिन की एक बुक उन्होंने
मुझे लगता है लेनिन की जो बुक जो लास्ट टाइम में वो यही बुक है, द प्रोलेटेरियंस रेवोल्यूशन एंड कॉत्स्की द रेनिगेट। इसी बुक को वो अपने लास्ट डे 23 मार्च 1931 को इवनिंग में लास्ट में पढ़ रहे थे, जिस समय वो जेलर को ये कहते हैं कि ठहरिए जेलर साहब, दो मिनट रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये वही बुक है, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड कॉत्स्की द रेनिगेट, लेनिन की ही जीवनी है इसके अंदर। द मार्क्सिस्ट एजुकेशनल सोसाइटी डिट्रॉयट मिच, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट किताबें उन्होंने स्टडी की है, और इन द एंड डब्ल्यू एम थेयर, इनकी एक ही बुक है, फ्रॉम लॉग कैबिन टू व्हाइट हाउस, जेम्स एच एयरले पब्लिकेशन, बोस्टन 1881। और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनके सोर्सेज जो हैं नहीं पता लग पाए कि कहां से वो पब्लिश हुई हैं, उनका पता नहीं लग पाया। कुछ नोट्स ऐसे भी, कुछ नोट्स भी ऐसे हैं कि वो किस किताब में से वो नोट्स लिए गए हैं वो भी इसमें मेंशन नहीं हो पाया। जेल नोट बुक ऑफ भगत सिंह के अंदर उन्होंने शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, लेकिन नोट्स अच्छे थे वो उन्होंने कलेक्ट किए हैं। ए फ्यू नोट्स आर टेकन फ्रॉम द बुक्स हूज सोर्सेज वोंट गेट ट्रेस्ड, जिनको सोर्सेज को नहीं किया जा सका, ट्रेस नहीं किया जा सका, राइट। तो ये वो किताबें हैं जिन्हें पढ़ करके, जिनको कंसल्ट करके भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह बनते हैं, एक ट्रू रेवोल्यूशनरी बनते हैं। एक रेवोल्यूशन क्या होता है, आप अगर ये सोचें कि रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी ने बंदूक उठा ली और किसी को गोली मार दी तो वहां से रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगत सिंह खुद भी कहते हैं रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति जो है बंदूक और बम की संस्कृति नहीं है। रेवोल्यूशन इज नॉट द कल्चर ऑफ बॉम एंड पिस्टल, राइट। तो वो बम और पिस्टल की संस्कृति नहीं है, इसलिए रेवोल्यूशन आप सोचें कि बंदूक से, तोप से, गोलों से आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उसके लिए फिर चाहिए स्टडी चाहिए। तो जिस तरह से भगत सिंह ने स्टडी किया है इन सारी बुक्स को, जब भगत सिंह ने स्टडी किया है तब जाकर के तो वो एक रेवोल्यूशनरी बन पाए। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको भगत सिंह की जो जेल नोटबुक है उसे पढ़ना पड़ेगा, और फिर जितनी बुक्स उन्होंने कंसल्ट की हैं, जितनी स्टडी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म किस तरह से घातक है, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप आज के कुछ लोग जो है कैपिटलिज्म को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैपिटलिज्म किस तरीके से घातक है, किस तरीके से पैसे का, और जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन ही है। आप एक कहावत आपने शुरू जरूर सुनी होगी, जर जोरू के बारे में ना, जमीन और जोरू के, तो कैपिटल के फॉर्मेट में आप उसे लेंगे ना, कैपिटल फॉर्मेट। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर आपको मतलब दवाइयां दे रहा, वो महंगी दवाई दे रहा, सो आप डॉक्टर का दोष कैसे देंगे उसमें, वहां भी कैपिटल है, उसे भी तो पैसा कमाना है। कैपिटलिज्म का है कि हर आदमी की नजर में पैसे का होना बहुत जरूरी हो जाता है, ह्यूमैनिटी की वैल्यू खत्म हो जाती है, सोशलिज्म की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, सिर्फ पैसा और पैसा ज्यादा से ज्यादा। क्यों आता है क्योंकि पैसा एक जगह अक्यूमुलेट होता चला जाता है कैपिटलिज्म के अंदर, एक साइड में जाता चला जाता है, और यही वो वजह बनता है जो धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन का अपने आप ही, कोई ऐसा नहीं कोई आदमी आगे खड़ा करेगा उस रेवोल्यूशन को, वो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रेस क्रिएट करेगा लोगों के अंदर, अनरेस्ट करेगा लोगों के अंदर। ये बात जैसे जैसे अनरेस्ट होते चले जाएंगे वो दिक्कत बढ़ती चली जाएगी, और रेवोल्यूशन अपने आप खड़े हो जाते हैं। किसी को ऐसा नहीं कि रेवोल्यूशन को आकर खड़ा कर, रेवोल्यूशन अपने लिए अपने लीडर खुद चुनता है रेवोल्यूशन। सो आई होप कि आपको, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं या दिखाई हैं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जेल नोटबुक ऑफ भगत सिंह को एक बार जरूर पढ़ेंगे, और यही मुझे लगता है एक सच्चा ट्रिब्यूट या सच्ची श्रद्धांजलि होगी, या सच्चा उनको याद करने का एक सही तरीका है कि भगत सिंह की जेल नोटबुक को एक बार जरूर पढ़ा जाए। यही एक सच्चा तरीका, यही एक बेहतर तरीका है भगत सिंह को याद करने का। फिर भी ये आपका अपना राइट है,
कि आप कैसे भगत सिंह को याद करते हैं, किस तरह से याद करते हैं, कैसे मनाते हैं, ये आपकी सोच है। लेकिन भगत सिंह एक ट्रू रेवोल्यूशनरी थे, हैं और रहेंगे। अगर रेवोल्यूशन कोई खड़ा होगा तो भगत सिंह से ही आगे बढ़कर के खड़ा होगा, अगर आने वाले समय में भी कभी खड़ा होगा तो उसमें भगत सिंह के जो थॉट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप ये समझ लीजिए, भगत सिंह को हटा करके कोई रेवोल्यूशन नहीं खड़ा हो सकता, वो सोच जरूरी है। तो आपके अगर कोई फीडबैक है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ, ताकि वो भी जेल नोटबुक ऑफ भगत सिंह के बारे में जान सके, समझ सके, और जो किताबें मैंने आपको दिखाई हैं, जिन किताबों के नाम आपको दिखाई हैं, शायद वो भी उन्हें पढ़ने की कोशिश कर सके। और शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर शेक हैंड विद लाइफ का पेज है, आप उसे लाइक जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।